लो दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आया है। इंटर का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है और लिंक को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। लिंक जो है अब ओपन हो रहा है। आसानी से आप लोग अपना रोल कोड, रोल नंबर डालकर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोग रिजल्ट जो है अपने ऑफलाइन भी ले सकते हैं, यानी आप अपने स्कूल कॉलेज के माध्यम से भी रिजल्ट को जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करूँगा, आप मोबाइल फ़ोन से एक क्लिक में रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर न्यूजर हो, बार बार कहता हूँ, मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिहार बोर्ड की तरफ से पूरी जानकारी के साथ मिलेगा, क्योंकि मैं नामांकन, एडमिशन, रिजल्ट, मार्कशीट सभी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे इस वेबसाइट को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा targetcourse.net, क्योंकि इस पर सभी इन्फॉर्मेशन डाला जाता है। बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम अर्थात रिजल्ट ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया गया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा का आयोजन इससे पहले ही करवा लिया गया था, तथा आपको बता दें कि इस बार यानी कि वर्ष 2022 में इंटरमीडिएट के नतीजे या परीक्षा फल बहुत ही जल्द जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड अपने आप में एक बहुत ही बड़ी रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होने के बाद अधिकतर परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे, ऐसे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा उन सभी छात्र एवं छात्राओं को भी स्क्रूटनी का मौका दिया गया था। ठीक है, जो छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास थे उनको भी स्क्रूटनी का मौका मिला। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि सिर्फ जो फेल थे, जो थर्ड डिवीजन से पास थे, जो सेकंड डिवीजन से पास थे, वही स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं कि फर्स्ट डिवीजन जो फर्स्ट डिवीजन से पास थे वो भी स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट डिवीजन से पास थे उनको भी मन में कहीं ना कहीं आशंका थी कि मतलब कि मेरा नंबर और भी अधिक आना चाहिए पर नहीं आया है, तो उन्होंने भी स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए जान लेते हैं, जो भी विद्यार्थी इस बार स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए हैं उन सभी छात्र एवं छात्राओं को बता दें कि चलिए आगे जानते हैं कि इंटरमीडिएट स्क्रूटनी परीक्षा के परिणाम अर्थात रिजल्ट बिहार बोर्ड किस दिन कितने बजे जारी करने जा रहा है। और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी परीक्षार्थी की जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड के निर्देश अनुसार इंटर की परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से 14 फरवरी तक 2022 को करवाया गया था। ठीक है, अब इस बारे में यानी वर्ष 2022 में इंटरमीडिएट की परीक्षा करीब 13 लाख से अधिक विद्यार्थी हिस्सा लिए थे। इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा जितनी ही जल्दी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कराई जाएगी उतना ही तेजी से सभी राज्यों में, जी हाँ दोस्तों, सभी राज्यों से पहले पूरे बिहार में सबसे पहले इंटर का परिणाम अर्थात रिजल्ट जो है बिहार बोर्ड ने जारी किया था। जैसे कि आपको पता होगा कि इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट 16 मार्च को 3 बजे जारी किया गया था। पूरे राज्य में बिहार बोर्ड जो है एक तरफ से अपने आप में एक रिकॉर्ड नया कायम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए, सभी स्टूडेंट्स, सभी जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, इंटरमीडिएट स्क्रूटनी की परिणाम अर्थात रिजल्ट का इंतजार लाखों विद्यार्थी परीक्षार्थी जो है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस बार रिजल्ट यानी नतीजे काफ़ी अच्छा आएगा। और लेकिन फिर भी लाखों छात्र फेल हो चुके थे और कितने छात्र ऐसे हैं जो अपने अंकों से असंतुष्ट थे, इस स्थिति में स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी दिए हैं। अब सभी छात्रों को स्क्रूटनी का रिजल्ट को लेकर जो है इंतजार है। आपको बता दूं कि स्क्रूटनी का ऑनलाइन आवेदन 23 मार्च से 30 मार्च तक रखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर सुन लीजिए, सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए, आप लोगों को जानकारी देता हूँ, आप लोग वीडियो को बस फॉलो करिए और एंड तक देखिए। ठीक है, आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देखिए, सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थी को नीचे दिए गए कॉलम में स्क्रूटनी रिजल्ट के लिए सामने क्लिक हेयर का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे चेक करना है इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड स्टेप, उसके बाद आप सभी विद्यार्थी के बीच इस रूप में रिजल्ट यानी कि परीक्षा फल चेक करने का ऑफिशियल लिंक खुलकर सामने आएगा। उसके बाद कॉलेज का रोल कोड, रोल नंबर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है, आपका रिजल्ट जो है सामने आ जाएगा। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी को प्रॉब्लम्स ना हो इसीलिए मैं आपको एक बार चेक करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोगों को लगे कि सर आप तो चेक करके दिखा ही नहीं रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा और पूरे भरोसे के साथ बताऊंगा। ठीक है,
आप इस वेबसाइट पर भी रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन। ठीक है, इस वेबसाइट का ये सर्वर थोड़ा इसका स्लो चल रहा है, क्योंकि आपको मालूम है जब रिजल्ट अपलोड होता है तो सर्वर जो है वेबसाइट का बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है, काम नहीं करता है जल्दी। तो आपको 2 से 3 बार रिफ्रेश करते रहना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको वेबसाइट से रिजल्ट चेक नहीं मिल रहा है, देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे अपना रोल कोड रोल नंबर नीचे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं रिजल्ट कैसे चेक किया जाता हूँ मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा सभी विद्यार्थी को, आप लोग कॉलेज स्कूल के माध्यम से कल को यानी मंडे को आप लोग जो है पता कर सकते हैं, ठीक है। मंडे को आप लोग रिजल्ट को लेकर आप इन्फॉर्मेशन जारी मतलब कि इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कॉलेज अपने स्कूल से, जिस स्कूल कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको पता चल गया हो, वीडियो को आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर न्यूज रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको 3 डॉट के ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर स्क्रूटनी रिजल्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्क्रूटनी रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको रिजल्ट चेक करना है, ठीक है। तो आप लोग आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर न्यूज रहे सब्सक्राइब करें, आने वाली सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी तरह टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।